आपने देखा होगा, बहुत बार जब आपके फ़ोन की स्टोरेज फुल हो जाती है तब आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है, और इसलिए आप बहुत सारे ऐप का इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ोन की स्टोरेज को कम करने के लिए। पर आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी ऐप्स होते हैं जिनकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है या फिर चलना बंद हो जाता है, और कभी कभी तो वो काम ही नहीं करता है बिल्कुल। जी हाँ, इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स के बारे में, या कहें ऐसे ऐप्स के बारे में जो आपके फ़ोन में ऑलरेडी मौजूद होते हैं और वो आपके फ़ोन को अंदर ही अंदर ख़राब करते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्लॉटवेयर एंड क्रैबवेयर की। क्या है ये, चलिए आपको बताते हैं ये कैसे काम करते हैं, और ये एक बार अगर आपके फ़ोन में आ जाए तो इन्हें डिलीट करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये अनइंस्टॉल होते ही नहीं हैं। आपको बता दें कि ब्लॉटिंग पेट की एक बीमारी का नाम है जिसका मतलब होता है कि पेट फूलना। जी हाँ, और डेली लैंग्वेज में इसे हम गैस की बीमारी भी कह सकते हैं, जो कि आपने फ़ोन को हो जाती है और आपके फ़ोन को वो फुला देती है। अगर आपको बताएं कि आपका एंड्रॉइड फ़ोन भी इसी बीमारी का शिकार है और इसी के चलते आपका फ़ोन भी ख़राब हो जाता है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। क्योंकि अगर ये सच नहीं होता तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में ब्लॉटवेयर नाम का शब्द ही नहीं आता। ब्लॉटवेयर का मतलब क्या होता है बता दें आपको, कि वो फालतू के ऐप्स या सर्विसेज जो आपके फ़ोन में ज़बरदस्ती ठुसे हुए रहते हैं, यानी कि अंदर रहते हैं फ़ोन के, और आपके फ़ोन को स्लो और लेज़ी बना देते हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आप इन्हें चाहकर भी अपने फ़ोन से हटा नहीं पाते हैं क्योंकि ये अनइंस्टॉल होने का नाम ही नहीं लेते। फिर आप चाहे इन ऐप्स को कभी इस्तेमाल करते हों या नहीं। आपको बता दें कि ये फ़ोन में पड़े पड़े ही आपके फ़ोन की मेमोरी और स्पेस खा जाते हैं और बैटरी को पीते रहते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ये अनइंस्टॉल क्यों नहीं होते। ये अनइंस्टॉल इसलिए नहीं होते क्योंकि इन्हें अपने कभी डाउनलोड ही नहीं किया होता है। जी हाँ, फ़ोन कंपनी जब फ़ोन बनाती है तभी सॉफ्टवेयर के सीने चिपका कर इसे आपके हवाले कर देते हैं, और कई बार फ़ोन कंपनियाँ किसी ऐप को प्रमोट करने की डील कर लेती हैं और इसे फ़ोन में पहले से ही डाल देते हैं ताकि लोग इसका इस्तेमाल करें और वो ऐप पॉपुलर हो जाए। यानी मानो ना मानो ये आपके फ़ोन में ऑलरेडी मौजूद रहता है और एक मेहमान की तरह आपके फ़ोन को अपना बना लेता है। अपने एंड्रॉइड फ़ोन में झांक कर देखें, ऐसी कई कसर चीज़ें भरी होंगी जिसे आप कभी इस्तेमाल नहीं करते लेकिन जिनसे छुटकारा पाना भी आसान नहीं लगता। हटाए नहीं हटते फ़ोन के ये सारे कचरे। जी हाँ, ब्लॉटवेयर से छुटकारा पाने के लिए कई उपाय आजमाते हैं लोग लेकिन ये सही नहीं हो पाता। कोई बैटरी सेवर और मेमोरी बूस्टर के चक्कर में पड़ता है तो कोई उन ऐप्स को नज़रों के सामने हटाकर भूल जाने की कोशिश करता है। एक तरीका है ऐसे ऐप्स को डिसेबल करने का। जी हाँ, मेन्यू में जाके सेटिंग्स, एप्लीकेशन मैनेजर, गो टू ऐप You want to display या disable, लेकिन इसमें दो मुश्किल आ जाती हैं। पहले तो ये कि ये सुविधा सिर्फ उन फोन्स में है जिनमें Android वर्जन 4.0 या उससे ऊपर है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कई ऐप्स इस तरीके से disable नहीं हो पाते और तमाम ऐप्स ऐसे हैं जिनमें disable करने का ऑप्शन दिखता ही नहीं है। बता दें कि ब्लॉटवेयर से छुटकारा पाने का एक और कठिन तरीका है फ़ोन को रूट करना। जी हाँ, इसका मतलब है फ़ोन के सॉफ्टवेयर के भीतर घुसकर छेड़छाड़ करना और अपने हिसाब से बदलाव करना, और इसके बारे में ज़्यादा बात करने का फ़ायदा नहीं क्योंकि ना तो ये हर आदमी के बस में होता है और ना ही इसे करना चाहिए, क्योंकि एक तो रिबूट करने से फ़ोन की वारंटी ख़त्म हो जाती है और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो फ़ोन पूरी तरह से ख़राब हो सकता है। ब्लॉटवेयर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बिना समय गवाए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर क्लीन मास्टर नाम का ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। ये कमाल का ऐप एक नहीं बल्कि कई मर्जों की दवा होता है। जी हाँ, इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसी महीने की 18 तारीख को दुनिया में क्लीन मास्टर को इस्तेमाल करने वालों की संख्या 10 करोड़ पार कर चुकी है। दरअसल अगर गेम्स को छोड़ दें तो ये प्ले स्टोर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला 4th नंबर का ऐप है।
इसे बनाती है अमेरिका के सेन कंपनी स्थित केयर्स मोबाइल नाम की एक कंपनी है जो इसे बनाती है, जिसके ऑफिस चीन और जापान में भी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐप एकदम फ्री है, तो इस ऐप का इस्तेमाल काफ़ी दिनों से कर सकते हैं आप और इसका इस्तेमाल लोग करते भी हैं। ऐप ने एक नए अपडेट के साथ अपना वर्जन 5.1 लॉन्च किया है, जिसके बाद ये ऐप वाकई बिल्कुल ही मैजिकल की तरह काम करता है। इस नए अपडेट के बाद अब इसकी मदद से फ़ोन से ये ब्लॉटवेयर को हटाना बहुत ही इजी हो गया है। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करके पहली बार ओपन करेंगे तो ये आपसे प्री इंस्टॉल ऐप्स को डिसेबल करने की परमिशन मांगेगा। अब इसे ये अधिकार दे दीजिए, उसके बाद आपको बता दें कि अब फ़ोन से ब्लॉटवेयर का कचरा साफ करना बहुत ही ज़्यादा ऐसे आसान हो जाता है। क्लीन मास्टर को ओपन करते ही आपको चार चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि जंक फाइल्स, मेमोरी बूस्ट, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी और ऐप मैनेजर। ऐप मैनेजर का बटन दबाते ही सबसे ऊपर आपको प्री इंस्टॉल ऐप दिखेगा, उस पर जाएं और ये देखकर वाकई खुश हो जाएंगे कि प्री इंस्टॉल ऐप्स की लिस्ट में आपको फ़ोन में मौजूद ज़्यादातर चीज़ों को डिसेबल करने का ऑप्शन दिखेगा। डिसेबल करने का मतलब ये होता है कि वो ऐप्स फ़ोन से हटे तो नहीं, लेकिन यूँ माने कि आपने उनको बेहोश सा कर दिया है, क्योंकि वो काम करना थोड़ा सा बंद कर देते हैं। वो आप अपने आप में बैकग्राउंड में चलते रहकर आपके फ़ोन को स्लो कर सकेंगे, ना ही बिना बात की बैटरी को फूकेंगे और ना ही रैम यानी कि फ़ोन की मेमोरी कोई ख़त्म भी होगी। ये घर के बेकार कचरे को बाहर फेंकने जैसा है। अब घर में ज़्यादा जगह होगी, क्योंकि जैसे आपके फ़ोन में ज़्यादा जगह होगी सेम उसी तरीके से घर साफ सुथरा और बड़ा दिखेगा, जैसे कि आपका मोबाइल काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज जिसकी बहुत ही ज़्यादा अब कम रहेगी, आप आराम से उसमें कुछ भी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आपको अब बताते हैं कि क्रैबवेयर क्या होता है। ब्लॉटवेयर और क्रैबवेयर क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले हमने आपको बताया था कि ब्लॉटवेयर कैसे काम करता है, लेकिन क्रैबवेयर क्या होता है। जब भी हम अपने कंप्यूटर या अन्य डिवाइस में कोई बेसिक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं कि लोगों के पास उस एप्लीकेशन के अलावा कुछ और एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो गई हैं और बाद में अपने आप पॉप अप खोलने लगते हैं। कई बार आपने अपने ब्राउज़र में भी देखा होगा कि उसमें कुछ फालतू के एप्लीकेशंस और शॉर्टकट बस जाते हैं, जिनकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होते हैं, और ऐसे ही सॉफ्टवेयर या क्रैबवेयर उन्हें कहा जाता है। क्या क्रैबवेयर डिवाइस को इफ़ेक्ट करता है? जी हाँ, ये इफ़ेक्ट करता है। आपको बता दें कि क्रैबवेयर हमारे डिवाइस को स्लो बना देता है। जब कोई सॉफ्टवेयर हमारे डिवाइस में इंस्टॉल होता है तो वो डिवाइस की मेमोरी कुछ स्पेस ले लेता है, इसके चलते आपके डिवाइस की स्टोरेज में कमी आ जाती है। आप क्रैबवेयर को कैसे रिमूव कर सकते हैं बता दें। जब भी आप कोई नया सॉफ्टवेयर या कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उस समय ध्यान दें कि वो कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर या एक्सटेंशन को डाउनलोड करने की परमिशन तो नहीं मांग रहा है। कई बार हम नेक्स्ट करके उसे परमिशन दे देते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि आपको एक्स्ट्रा कोई भी सर्विस या सॉफ्टवेयर को आप परमिशन ना दे रहे हों। आप अपने कंप्यूटर डिवाइस के लिए कोई अच्छा सा एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आप इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं। ब्लॉटवेयर डिवाइस को इफेक्ट करता है या नहीं? ऑफ कोर्स करता है, क्योंकि ब्लॉटवेयर भी हमारे डिवाइस को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। फिर चाहे डिवाइस की स्टोरेज या हो या उसकी परफॉर्मेंस या फिर कितनी भी हाइट क्यों ना कर रखी हो, लेकिन वो फिर भी इफेक्ट करता है। जितना हो सके डिवाइस से ब्लॉटवेयर को रिमूव कर देना चाहिए। कैसे करें बताते हैं आपको। कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी भी अनचाहे सॉफ्टवेयर को हटाना आसान होता है। हमें ब्लॉटवेयर को अपने डिवाइस से अनइंस्टॉल करके हटा सकते हैं। अगर कुछ ब्लॉटवेयर अनइंस्टॉल नहीं होते हैं तो मार्केट में इसके लिए बहुत सारे टूल और अवेलेबल होते हैं, आप उनका इस्तेमाल करके उन्हें हटा सकते हैं। अगर हम बात करें मोबाइल की तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन तो अनइंस्टॉल हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाती हैं। अगर कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो पा रहे हैं तो आप उस एप्लीकेशन को डिसएबल कर सकते हैं। इससे आपकी स्टोरेज तो खाली होगी और आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाएगी।